एक हीरा मेरी कौम दा गिदड़ा ने रल के घेरिया। बस सिर्फ इस टाइम के उत्ते मुद्दा की बनिया, कल मैं कैनेडा एक इंटरव्यू कर रही थी जी, उत्थे सिर्फ गल चलती है दीप सिद्धू बारे जां फिर लखा सदाना बारे। बट मैं रिक्वेस्ट कर दी हां भी इस अंदोलन दे बहुत सारे होर भी लोग की पार्टिसिपेट कर रहे, मावां हैगियां आ जिहड़ियां इहो जिहा घटिया गल्लां करदे आ। सो इहो जे लोकां नूं मैं अपनी जिंदगी दे विच मैनूं ते कोई मैं बायकॉट करदी। देखो मेरे नाल वापरदा की आ, जे मैं किसान संघर्ष च आउणा अकाली दल अमृतसर वाले कहिंदे साडा नहीं है, खालिस्तान की गल नहीं करते, एहदियां लत्तां नहीं बाहर चलदियां। अच्छा साडे वाले कहिंदे खालिस्तान की गल करदे, इह कहिंदे खालिस्तान की गल करदा ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵੀਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਬਾਈ ਫੌਜੀ ਬਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਵਕੀਲ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਨੂੰ 30,000 ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। 10:30-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ सारे ही खास ने, इसलिए सारे दोस्त वीडियो दे नाल अखीर तक बने रहना। बिना तुहाडा ज्यादा समां ले शुरू करदे आं अज दे अपडेट्स की लड़ी नूं। दोस्तों जिवें कि आपां इस तों पहले अपडेट्स भी तुहानूं इह गल दस चुके हां कि अज दीप सिद्धू का जो 7 दिन का रिमांड सी उसकी समाप्ति सी, जिस करके कि पुलिस वल्लों एक बार फिर तो दीप सिद्धू नूं मानयोग अदालत दे विच पेश कीता गया। पर दोस्तों इस अदालत की कार्रवाई के दौरान दीप सिद्धू दे नाल एक बहुत बड़ा जो धोखा होया वह सामने आया है, जिस बारे खुलासा किया दीप सिद्धू के केस की पैरवाई करने के लिए अगे आए घुम्मन ब्रदर्स, जो कि एली मार्केट का केस भी पहला लड़ चुके हैं, ते नाल ही दीप सिद्धू के खास दोस्त तलवाड़ा, जिन्होंने कि अपनी लाइव वीडियो दे विच इस होए धोखे बारे खास गलबात करके सारा सच सामने लिया। की है सच उस वल तुहानूं लैके चलदे आ। नाल ही दस दईए जिवें कि पहलां भी तुसीं जाण ही चुके हो, कल काफ़ी ज़्यादा यह खबर वायरल हुई सी, सोनिया मान जिन्होंने कि कल किसान जथेबंदियों की स्टेज तो लखा सिदाणा ते दीप सिद्धू बारे काफ़ी ज़्यादा गुस्से दे विच बोलिया सी कि लोग उन्हां दी ही गल क्यों करदे ने, जिस तो बाद सोनिया मान का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। तो एक बार फिर तो सोनिया मान अपने सोशल मीडिया से लाइव आए, जिथे कि उन्होंने कुछ होर बड़े खुलासे कर दते। की ने यह खुलासे, आओ पहला झलक मारो सोनिया मान की इस वीडियो ते। ते नाल ही दोस्तों इस वेले सोनिया मान बारे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट अते काफ़ी ज़्यादा पिक्स इस वेले सोशल मीडिया ते घूम रही ने, जिन्हां दे विच सोनिया मान ते काफ़ी ज़्यादा दोष भी लग रहे ने। आओ तुसीं झलक मारो सोनिया मान की इस लाइव वीडियो ते। बाकी जो भी फोटोज़ अते जो स्क्रीनशॉट सोनिया मान बारे घूम रहे ने, उन्हां दी लाइव वीडियो नूं देखण तों बाद तुसीं अपने विचार जरूर दसना कि तुसीं सोनिया मान बारे की कहना चाहोगे। उस तों बाद तुहानूं लै चलांगे दीप सिद्धू नाल जो बड़ा धोखा होया उस वल दी वीडियो वल, ते नाल ही दोस्तों दसांगे लखा सिधाणा ने लाइव आके किहड़े खुलासे कीते ने, वह भी लखा सिधाणा की लाइव वीडियो तुहाडी नज़र तुहाडे अगे पेश करांगे, इसलिए बने रहना वीडियो दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह लिखा होया आ, और परमात्मा का नाम लिखा होया, वाहिगुरू का नाम लिखा आ, ते फिर इहो जी गंदी बाणी यूज करनी भी बंद करो। पाठ करदे हो ना गुरबाणी दे विच की लिखा आ उह पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच की लिखा उह पढ़ो, उह सारे सख्शां दे उत्ते चलो, उह सारी गल्लां दे उत्ते चलो। जे नहीं चल सकदे ना, मैनू जे कहंदे ना वी सोनिया मान तू कॉमरेड आ, जे मैं मैनू नहीं पता कॉमरेड किनू कहंदे आ, मैनू नहीं पता सच्ची, बट मैं एक गल कहनी आ, जे कॉमरेड ओनू कहंदे आ कि जेड़ी जेड़ा बंदा सारे धर्मां तों उत्ते उठ के एक इंसानी इंसान इंसानियत आ जिहदे विच और सारे धर्मां दी रिस्पैक्ट करदा आ, सारे लोकां दी रिस्पैक्ट करदा आ, अपने बजुर्गां दी रिस्पैक्ट करदा, ते फिर मैं कॉमरेड आ।
मैं कहनी हाँ जे मैं हिंदू नहीं हाँ, मैं मुस्लिम नहीं हाँ, मैं सिख नहीं हाँ, मैं सब तो उत्ते एक इंसान हाँ, और जे मैं इंसान हाँ ना, जे फिर भी मैनू कॉमरेड कहने ना, तो फिर मैं कॉमरेड हाँ। जे कॉमरेड बनना इंसानियत नू रिस्पेक्ट करना है, जे कॉमरेड बनना सारे धर्मां दी इज्जत करना है, तो फिर मैं कॉमरेड हाँ। फिर मैं अपने आप नू जे गाला कढ़ना, जे गाला कढ़ना ती भैन दी डिसरिस्पेक्ट करना, एक किसे धर्म नू बिलोंग करना है, तो फिर मैं उस धर्म नू बिलोंग नहीं करना चाहती जिदे विच गाला कढ़िया जांदियां ने, जिदे विच गंद पक्या जांदा है, जिदे विच गंदियां गल्लां कीतियां जांदियां ने, जिदे विच ती भैन दी इज्जत नहीं कीती जांदी। मैं उस धर्म नू बिलोंग नहीं करदी, मैं फिर किसे धर्म नू बिलोंग नहीं करदी। मैं सिर्फ एक इंसान हां और मैं हमेशा चंगा इंसान बनने की कोशिश करूंगी। और जिहड़े आई टी सैल वाले बकवास गल्लां कर रहे आ मेरे पापा बारे ना, और विकीपीडिया तो लिख रहे आ, सारा कुछ लेके लिख रहे आ और पा रहे स्क्रीनशॉट, मैनू किसी चीजा का कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। मैनू किसी चीज का कोई फर्क नहीं पैंदा, ना ही मैनू किसी तो डर मारिया आ। मैं सच बोलूंगी हमेशा, सारे बारे सच बोलूंगी। जेड़ा भी बंदा गलत है, जेड़ा बंदा इस अंदोलन नू खराब करने की कोशिश करूंगा, मैं ओदे बारे सच बोलूंगी, और मेरे सच नू कोई नहीं रोक सकदा, और ओदे उत्ते मैनू कोई धमकियां दा भी किसी का डर नहीं लगता, ठीक है। जे किसी नू, जे किसी दी इन्नी गंदी सोच आ कि कोई मेरे स्क्रीनशॉट ले रहा है मेरी एक्टिंग करियर दे ओनू जोड़ रहा है, कोई मेरे स्क्रीनशॉट ले रहा है कि मैं साईं जी दे दरबार गई सी ओ विच पा रहा है, कोई मेरे स्क्रीनशॉट पुराने ले रहे, मैं एक कलाकार हाँ, मैनू ना डिफरेंट डिफरेंट जगह दे उत्तों ना लोकी इनवाइट करदे आ मैनू, मैं कलाकार होने दे नाते मैं किते भी जा सकदी हां, किसी फंक्शन ते जा सकदी हां, किते अटेंड करदी हां। अज मैं किसानी अंदोलन नू सपोर्ट कर रही हां, ते क्योंकि अज मैं कलाकारी छड़ के एक किसान दी धी बन के इत्थे अपना सारा काम कार छड़ के बैठी हां, ते अपना किसानां नू सपोर्ट कर रही हां। इन्हां लोकी जिहड़े घर बैठे कंबलां दे विच बैठे गल्लां कर रहे ने, इन्हां नू कहो इत्थे आके टिकरी बॉर्डर दे उत्ते रहण, टेंटां दे विच बीबियां दे नाल रहण, ट्रालियां दे विच किसानां दे नाल आके सौण, घरे बह के गल्लां करनियां बहुत सौखियां हुंदियां, बट अंदोलन दे विच रह के उन्हां दे नाल टाइम बतीत करना बहुत औखा हुंदा आ। मैं पहले दिन तो जिहड़े भी करण गुआबा जी, तुसी अपनी मां भैन नूं इसे तरीके दी रिस्पेक्ट देंदे होगे जिहड़ी रिस्पेक्ट तुसी मैनूं दे रहे हो, धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इन्हां लोकां नूं इह कहनी आ, गॉड ब्लैस यू। जिहड़े लोकी मैनूं गालां कढ़दे आ उन्हां नूं भी अगों इहो कहूंगी, गॉड ब्लैस यू। तुहानूं सच्चे पातशाह वेख रिहा आ, तुहानूं सच्चे पातशाह कदी माफ नहीं करनगे जिस तरीके दीआं तुसीं घटिया गल्लां कर रहे हो, जिस तरीके दीआं तुसीं घटिया थिंकिंग रखदे हो। और जिहड़ा बंदा जिहो जिहा बोलदा ना, उह इही सोचे भी उन्हां दे घर भी मां भैण हैगी आ, उन्हां दे घर भी उन्हां दीआं भैणां हैगीआं, मावां हैगीआं आ, जिहड़ियां इहो जिहा घटिया गल्लां करदे आ। सो इहो जिहे लोकां नूं मैं अपनी जिंदगी मैनू तो कोई, मैं बाइकआउट करती हूं, मैं तो जवाब ही नहीं देना चाहती, बट एटलीस्ट ना तुहानू लोकां नू शर्म आनी चाहिए आ भी कोई बंदा, मैनू एक गल दस दो, कोई भी बंदा अपना चंगा करियर छड के, अपनी चंगी भली फिल्म लाइन की फिल्मा छड के बॉम्बे दे विच, मैं ते कहनी आ फिर वो एक्टर चंगे ने जिहड़े बॉम्बे बैठे इस टाइम दे विच बॉलीवुड दे विच बैठे आ, कुछ नहीं बोल रहे, घर बैठे आ शांत, अपना मुंह बंद करके करोड़ा रुपये कमा रहे ने, हैना। वो एक्टर ठीक आ जिहड़े गर्मी दे विच बाहर भी नहीं निकलते अपने एसी गड्डियां दे विचों, ठंड दे विच अपने कंबलों चो बाहर नहीं निकलते, उत्थे बैठे आ और कहिंदे आ भी आपां दे नाम मोदी सरकार मुर्दाबाद नहीं कहांगे, मोदी दे बारे कदी गलत नहीं बोलांगे। वो चंगे आ जिन्हां नूं ईडी दा डर मारिया, जिन्हां नूं इनकम टैक्स दा डर मारिया, वो चंगे ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੀਲੀ ਯੂ ਨੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵਡੈਚ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ ਮਾੜੇ, ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤਦ ਮਾੜੇ, ਫਿਰ ਬੋਲੀਏ ਕੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ 3 ਘੰਟੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵਦੀਪ
जेल तो जिदन बाहर आ जुगी ना अपनी जाके इथे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दसूगी कि किन्ने ओदी सपोर्ट कीती सी ते किन्ने नहीं कीती सी ना ओदन दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जूगा राइट। उस तो पहलो मैं लोकां नूं नहीं दस सकदी कि मैं की कर रही हां किसे वास्ते ते की नहीं कर रही। सो इस करके मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्ने जो बोलना बोलो, जिन्ने स्क्रीन शॉट्स लैके जो बोलना है बोली जावे, जो मेरी असलियत आ, जो मेरे प्यो दी असलियत आ, ओह देशभक्त यादगार हॉल जलंधर दे विच लगी आ। सो दोस्तो ए सी सोनिया मान जिन्हां ने कि कल दे अपने जो स्टेज तो भाषण दिता सी उस दे बारे अपना कुछ स्पष्टीकरण सामने रखिया ते नाल ही अपना हो रहा विरोध उस दे बारे भी कुछ सच तुहाडे सामने दस्सिया। बाकी दोस्तो तुसी हुण सोनिया मान बारे ते उन्हां वल्लों दित्ती गई स्पीच बारे ते लखा सधाणा ते दीप सिद्धू बारे की सोचते हो अपने विचार तुसी कमेंट सैक्शन दे विच जरूर सांझे करके जाना। उत्थे दोस्तो लखा सधाणा की कुछ समा पहलां दी एक वीडियो सोशल मीडिया ते काफ़ी ज़्यादा तेजी दे नाल इस समय शेयर की जा रही है, जिस दे विच उन्हां ने कुछ राजनीतिक पार्टियां बारे अपने विचार दसे ने, कुछ खुलासे किए ने। आओ पहला एक छोटी जिही झलक मार लें लखा सधाणा की सामने आई इस वीडियो से, जिस तो बाद तुहानू दसांगे कि दीप सिद्धू दे नाल अज किहड़ा वड्डा धोखा होया, जिसनों जानण तो बाद हर एक पंजाबी का हर किसान का खून खौल गया कि इस तरह भी हो रहा है अज के समय के अपने हकों के लिए आवाज़ उठाने वाले नौजवानों के नाल। सो तुसी वीडियो दे नाल बने रहना, पहला झलक मारो लखा सधाणा की इस वीडियो से। ਆਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ, ਆ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ, 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਛਪੁੱਟ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦੀ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਪ ਵੀਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਬਾਈ, ਫੌਜੀ ਬਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਦਿੱਗਜ ਵਕੀਲ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 8:30 ਨੂੰ 30,000 ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। 10:30-11 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 8:00 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 8:00 ਹੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 8:00 ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ
जज दे घर जिहड़ी हैगी है कोर्ट च उहनूं पेश नहीं किया गया, जज दे घरों ही उहदा 8-7 दिन का होर रिमांड ले लिया। सरकार नूं असीं पुछना चाहुंदे आ, जुडिशियल नूं पुछना चाहुंदे आ कि दीप सिद्धू ने एडा वड्डा की गुनाह करता कि 7 दिन दे रिमांड च तुसीं उहदे कोलों कुछ कढवा नहीं सके। उन्हें करिया ही कुछ नहीं गलत, इस वास्ते 7 दिन का होर रिमांड ले लिया। ये लोगों का भरोसा जुडिशियल ते किवें रहूगा? सानू इंसाफ चाहिदा सी और तुसी सानू उहनूं मिलण भी नहीं दिता। इस तरह पंजाब हार नहीं मनूगा। दीप सिद्धू दे हक विच सारे पंजाबी सारे सिख लामबंद होके असीं लड़ाई लड़ांगे। साडे जिहड़े वकील साहिबान हैगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे दिग्गज वकील घुम्मण ब्रदरस साडे नाल ने, दीप सिद्धू दा भरा मनदीप सिंह साडे नाल है। इंसाफ तां असीं लेना ही लेना, इहदे वास्ते सानू चाहे किते तक जाना पवे, किन्ने भी वकील करने पैण। अज हजारां दी तादाद विच वकीलां दे फोन आ रहे ने कि दीप सिद्धू दे असीं हक विच खड़े हैं, सारे उहदे नाल है। उहने वकालत भी करी हुई है। मैं वकील साहिबान दे चरणां विच भी बेनती करदा कि दीप सिद्धू एक चोटी दा वकील भी है, जे उस भरा नाल साडे नाल जाती होगी तां फिर आम लोक आपां इंसाफ दी की आस करांगे। सारी संगत दे चरणां विच बेनती है, जिहड़े विदेशां विच बैठे ने खास करके जां जिहड़े पंजाब च ने, रैलियां करो। अपने जिहड़े तुहाडे विदेशां विच एमपी ने मिनिस्टर ने उहनां नूं चिट्ठियां लिख के दो कि साडे इस नौजवान वीर दीप सिद्धू नाल इह हिंद हकूमत इह भारत दी सरकार ज्यादती कर रही है। सानूं अपने हक मरीन दिते जा रहे, सानूं अपने हक मंगण वास्ते भी दर दर फिरना पै रिहा। दीप सिद्धू अपनी VIP जिंदगी छड के साडे पंजाब दे लोकां दे हक्कां लई लड़न आया सी, अज सरकार तंग कर रही है। पर असीं सारे पंजाबी सारे नौजवानां दे चरणां विच बेनती है कि बड़ी जल्दी असीं इत्थों दीप नाल गल करके थोनू कोई प्रोग्राम भी देवांगे। तुसीं जिथे भी किते है एकता बना के रखो, एक दूए नाल जुड़ के रहो। जे कोई किसे नूं तंग परेशान पुलिस करदी है तां उहदा साथ दो। बाकी साडी बेनती है कि होर भी जे नौजवानां नूं किसे नूं दिल्ली सरकार तंग करदी है, असीं उहनां वास्ते भी वकील खड़े करांगे। कोल बहुत सारे वकीलां ने अप्रोच कीती है, बाकी साडे कोल घुम्मण ब्रदरस हैगे ने जिहड़े पूरी दे वकील ने और जिन्हां ने ऐलान कीता कि उह केस सारे फ्री लड़नगे। और असीं भी संगत दे चरणां विच बेनती करदे हां कि घबराउण दी लोड़ नहीं। दीप सिद्धू नाल सरकार जथेबंदियां रल के ज्यादती कर रहियां ने, सानू दस्या जावे। असीं जथेबंदियां नूं अज पुछना चाहुंदे हां कि उहदा कसूर की है। सरकार ने दो दिन उहदे बारे कुछ नहीं सी कहा, जद तुसीं आके एक कामरेड लाणा स्टेज ते भौंके है फिर आके सरकार ने स्टैप चक्के है। और अज जिहड़ा सो दोस्तों इह सी दीप सिद्धू दे खास दोस्त जिन्हां ने कि दस्या कि अज दीप सिद्धू दा भरा अते हाई कोर्ट अते सुप्रीम कोर्ट दे दिग्गज वकील घुम्मण ब्रदरस अज दीप सिद्धू दी पैरवाई करन दे लई पहुंचे, जदों उन्हां दा अज रिमांड खत्म होना सी तां उत्थे किस तरां दा धक्का किस तरां दा धोखा पुलिस वल्लों कीता गया, तुसीं सारी वीडियो लाइव देख ही लई है। बाकी दोस्तों हुण सारे मसले बारे तुसीं अपने विचार कमेंट सैक्शन दे विच जरूर सांझे करके जाणा, ते जेकर तुहानूं भी लगदा कि दीप सिद्धू अते लखा सिधाणा सही ने तां जो हैशटैग उन्होंने सपोर्ट के इस समय वायरल हो रहे हैं, यानी कि हैशटैग फ्री दीप सिद्धू तो हैशटैग वी सपोर्ट लखा सिधाणा, इन्हों ज़्यादा तो ज़्यादा हर एक पोस्ट से हर एक वीडियो से करया करो। इस वीडियो के थले भी तुम इन कमेंट्स में ज़्यादा तो ज़्यादा मात्रा के कर सकते हो। सो दोस्तों अज के अपडेट्स की लड़ी के इन्ना ही मिलेंगे जल्द होर ताज़ा अपडेट्स के नाल। उन्हें समय तक लिए बने रहो लिमिटेड ज्ञान के नाल। पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के अपडेट्स किसानी संघर्ष नाल जुड़ी हुई हर ताज़ा खबर तो होर सोशल न्यूज़ सब तो पहला देखने के लिए हुणे सबसक्राइब करो अनलिमिटेड ज्ञान के नाल वाली नोटिफिकेशन बैल जरूर ऑन कर लेना ताकि साड़ी हर एक नवी वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके सब तो पहला। सो दोस्तों इत्थे हुण तुहाडे तो फिलहाल लैने इजाजत, पर मिलांगे जल्द। थैंक यू, धन्नवाद, टेक केयर।